मैं तथागत गौतम बुद्ध और उसी प्रकार उनका स्वाख्यात धम्म उनका आदरणीय पूजनीय संघ अतीत के वर्तमान के सब और आने वाले अनागत काल के सभी बुद्ध उनके द्वारा स्वाख्यात धम्म को और संघ को वंदन करता हूँ। चलो तो ठीक आप है सभी को बता फिर। दें, सबसे पहले तो एक अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट इन द सेंस कि परिधम्मा को पूरा 1 साल हो चुका है और अभी हमारा अगले हिस्से हमारा वर्षावास शुरू होने वाला है, जो कि परिधम्मा का पहला वर्षावास रहेगा और मेरा खुद का भी पहला वर्षावास रहेगा। दैट्स व्हाई आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट। और तो ये जो कारवा है परिधम्मा का, ये शुरू संदेश ने किया और तब तो मैं नहीं था, पर जो लोग थे, क्योंकि देखो कोई भी काम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर जो शुरू करने वाला होता है उसे मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, और अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो काम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और वो काम शुरू होने के बाद भी समय समय पे भी मोटिवेशन के अच्छे लोगों की आवश्यकता होती है वो काम को आगे बढ़ाने के लिए। और परिधम्मा आज एक बहुत ही बड़ा ग्रुप बन चुका है और बहुत ही एक ऐसा ग्रुप बना है जो भिक्षु निर्देश में होता है, क्योंकि आज मैं देखता हूँ कि कई सारे ग्रुप चल रहे हैं, कई सारे ग्रुप बने हैं, कई सारे ग्रुप है, पर वहां पे जो भी है उपासक ही आते हैं। और मुझे पर्सनली ये बात कभी भी पसंद नहीं है, क्योंकि मेरा ये कहना, मेरा ये मत है कि अभी आपके पास भिक्षु अवेलेबल है, पर एक समय ऐसा आएगा जब भिक्षु अवेलेबल नहीं होंगे, है ना? और ये कैसे होता है, जब हम खुद इस प्रकार भिक्षुओं को जो उनका स्थान है, जो उनकी जगह है, जहां पे उनकी आवश्यकता, जो उनका काम है, जब वो उनको होने देते, आज जब धर्म बताने के लिए स्पेशली भिक्षु अवेलेबल है, उन कुत्तों के लिए भिक्षु अवेलेबल है, और उनको उड़ना देते हुए हम जो एक एक हायरार्की जो है, एक जो सिस्टम है, एक जो ट्रायंगल है, वो उसे हम बिगाड़ देते हैं और फिर इस कारण धर्म का पतन होना शुरू हो जाता है। और जब धर्म का काम हो रहा है तो भिक्षु आगे होके, भिक्षु का आगे रख के करना चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि सही मायने में वहां पे क्या हो रहा है, धर्म का काम हो रहा है। अगर वहां पे ऐसा नहीं हो रहा तो धर्म का काम नहीं हो रहा है। वहां पे तो अपनी दुकान खोल दिया आप लोगों ने, और इसलिए परिधम्मा इसलिए भी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आप देखो मोस्टली सारे के सारे क्या है, भिक्षु। और आपको बताते हैं परिधम्मा जितने भी डिसीजन होते हैं, एक छोटा छोटा डिसीजन भी क्यों ना हो, वो भंते लोगों को जाता है। अगर आपको लगता हो ये संदेश या इस प्रकार से बाकी जो टीम मेंबर्स है जिनके, या फिर स्मिता जी वगैरह, कोई भी जो टीम मेंबर्स है, रश्मि जी वगैरह, ये लोग अपने हिसाब से कोई डिसीजन लेते हो, तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सारे डिसीजन क्या होते हैं, भिक्षुओं द्वारा होते हैं, बड़े बंते जी जो है, बंते गुरुनंद जी वगैरह वगैरह, पूछ के संदेश, अगर कुछ कुछ करना होता है, कुछ नया ऐड रखना होता है, पहले हम लोगों से पूछता है। तो इसलिए परिधम्मा एक बहुत ही सही मायने में धर्म का काम कर, और इसलिए मुझे परिधम्मा ज्यादा पसंद है और यहाँ तक है बहुत चार बाकी ग्रुप्स के मुकाबले ये ग्रुप इसलिए एक अच्छा कार्य कर रहा है, क्योंकि बाकी जगहों पे मुझे कैसा ग्रुप की हिस्ट्री पता है, कैसा जगहों पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई है, भले ही आज उनके द्वारा के हिसाब से धर्म लोगों तक तो पहुंच रहा होगा, पर वो धर्म कहना की बुद्धि विलास है, वो धर्म नहीं, क्योंकि वो भिक्षु द्वारा नहीं पहुंच रहा है। भिक्षुओं द्वारा जब आप तक धर्म पहुंचता है तो आपके लिए संघ के प्रति, चीवर के प्रति और बुद्ध शासन के प्रति एक अलग सा एक गौरव भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि इस काषाय वस्त्र को अरहंत ध्वज कहा गया है। तो ये अरहंत ध्वज ये परिधम्मा ग्रुप द्वारा क्या हो रहा है, आज इस आकाश में फैला रहा है, इसलिए बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो इस 1 साल होने पर मैं परिधम्मा को काफी काफी मुबारकबाद देता हूँ, और इस 1 साल में जो पुण्य अर्जन किए, वो इस पुण्य अर्जन को हम सभी के साथ वितरित करते हैं, पर वो लोग जो शुरुआत में इस में जो माइलस्टोन के रूप में जिन्होंने काम किया, जो जो मूल रहे हैं, जिन लोगों की प्रेरणा कारण, जिन लोगों के साथ्य कारण ये ग्रुप यहाँ तक आ पाया है, स्टार्टिंग के वो लोग उनके नाम पढ़ूंगा पढ़ना चाहूंगा मैं, दिव्या निकोसे जी, डॉक्टर चित्रा जी, संगीता संगीता निकोसे जी, रूपाली मस्के जी, मंदा सालवी जी, भंते परमानंद जी, और सभी भिक्खु संघ, और हमारे आदरणीय परम पूजनीय हमारे सबके लाड़के भंते गुणानंद जी, और सभी जो समय समय के हिसाब से इस परिधम्मा से जुड़ते गए और जुड़ के इस परिवार में
एक शामिल होते गए, इस परिवार सदस्य होते गए। जिस प्रकार से एक माला में एक मोती मोती पिरो के जो एक सुंदर सी माला बनती है, इस प्रकार से आप सभी जुड़ते गए और आज भी जुड़े हुए हैं और एक सुंदर सी माला एक बनते जा रहे हैं। तो सभी धम्म उपासक और धम्म उपासिका जो जुड़े हैं, भारत की मुंबई की भी जो पूरी टीम रही है, चाहे अजिंक के जी हो, स्मिता जी हो, रश्मि जी हो, अग्रवाल जी हो, कविता जी हो, अपने अपने जो सारे यूथ टीम जो मुंबई की थी, अपने प्रशीक हो, कौंडन्य हो, अपने क्या नाम है, मैं सब में नाम में अच्छा नहीं हूँ ना रखने में, आर्यो हो, अपने सभी लोग जितने भी लोग हैं, सॉरी अगर किसी का नाम मैं भूल गया होगा तो, है ना, भाटकर फैमिली हो, ये सभी सभी लोगों ने, आप लोगों ने जो योगदान दिया और एक्टिवली हो या पैसिवली हो, उन सभी के नाम, जिन लोगों ने आर्थिक रूप से सहायता दी, चाहे जब मैं मुंबई गया हूँगा या जब इधर मैं पढ़ रहा हूँगा, या बाकी बनते लोग जो अपना, चाहे वो मॉनेस्ट्री, हमारे बनते मॉनेस्ट्री बन रही होंगी, आप सभी लोग जो धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से भिक्खु संघ को जो सपोर्ट कर रहे हैं, और भिक्खु संघ जो आगे बढ़ रहा है आप लोगों के सपोर्ट के कारण, इस सभी से जो पुण्य अर्जन हो रहा है, ये सभी पुण्य हम सभी में आप सभी वितरित करते हैं। ट्रिपल जेम्स आज जो हमारे जो जो दो शाखा है, एक परिक्रमा करके और दूसरे ट्रिपल जेम करके, तो एक बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। और ये कार्य में अभी एक साल हो गया है, मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा है कि एक साल हो चुका है आप सभी के साथ रोज बातें करते करते, आप सभी के साथ प्रवचन देते, आप सभी की बातें सुन के बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक साल हो जाना, लगा भी नहीं कैसे एक साल हो गया, पर काफी अच्छा लगा। और अभी से एक साल के बाद अभी हमारा ये पहला वर्षावास शुरू होने जा रहा है। आशा करता हूँ कि वर्षावास हम सभी का अच्छे से बीते, हम सभी के संकल्प इस वर्षावास में पूरे हो, और एक हमारा धर्म परिवार और मजबूत हो। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वर्षावास में हम एक संकल्प सा शुरू करने जा रहे वाले हैं, और उस संकल्प में जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होता तब तक एक दूसरे को सपोर्ट करते जाए। तो आप सभी को हम ये पुण्य अर्जन करते हैं, हमारा परिधम्मा परिवार इस परिति शासन में, पटिपति शासन में और पटिवृद्ध शासन में तरक्की करे, यही मेरे सभी के प्रति मंगल कामना है। साधु 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 खमतु खमामी। चलिए अब ये पुण्य हम सभी के साथ बांटते हैं। यथा वरिवहा पुरा परिपूरन्ति सागरं एवमेव इतो दिन्नं प्रेतानं उपकम्पते चितं पचितं तुम्मं क्षिप्पमेव समेजतो सभ्ये पुरेन्दु चित्तसंकप्प छन्दोपन्नरसो यथा मणि ज्योतिरसो यथा अभिवादनशीलस्य नित्यं उद्दापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ते आयुवन्नो सुखं वलन्ति। साधु।